गैस का क्या दाम था यूपीए के समय? 400 रुपए। आज क्या है? 1200। पेट्रोल का क्या दाम था? 60 रुपए। आज क्या है? डीजल का क्या था? आज क्या है? ये पैसा किसकी जेब से निकल रहा है? किसान के जेब से निकल रहा है। तो इनका पूरा का पूरा लक्ष्य, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को भोजन देता है, 24 घंटा काम करता है, सबसे पहला इनका लक्ष्य उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का है। उसको खत्म कर दो। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। जो किसान को बर्बाद कर रहा है वो देशभक्त हो सकता है क्या? ठीक है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है 8 बजे रात को। एक घंटा बचा है, एक घंटे बाद उन्होंने कहा, टीवी पे आके कहा, भाइयों और बहनों, मैं 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट रद्द करने जा रहा हूं। अब देखो, उस टाइम कहा था काले धन को मिटा दूंगा। अच्छा बताओ भैया, काला धन मिट गया क्या? 15 लाख रुपए मिल गए क्या? ये जो नोटबंदी की इन्होंने और ये जो गलत जीएसटी लागू की है, ये पॉलिसी नहीं है। मनरेगा पॉलिसी थी, भोजन का अधिकार पॉलिसी थी, ये पॉलिसी नहीं है। ये जो दो कानून बनाए इन्होंने, ये जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, इनको मारने के हथियार हैं। आप एक काम करना, मीटिंग के बाद जब आप चाय की दुकान में जाओगे, वहां पे आप पूछना, कि भाई राहुल गांधी ने कहा कि ये जो नोटबंदी की और ये गलत जीएसटी लागू की, ये आपको खत्म करने के हथियार थे, उससे पूछना, वो आपको जवाब दे देंगे। कोई भी दुकानदार, कोई भी छोटा बिजनेस जो चलाता हो, कोई भी मिडिल साइज बिजनेसमैन, उससे पूछ लो कि भैया ये पॉलिसी थी या ये हथियार थे, और वो सब के सब आपको बताएंगे ये हमें मारने के हथियार थे। और किसी भी किसान से पूछ लो, ये जो 3 काले कानून आए थे, ये पॉलिसी थी या ये आपको खत्म करने के हथियार थे, वो भी आपको बता देगा। पंजाब, हरियाणा, पंजाब के सब किसान बाहर आ गए, कहते हैं हम नहीं मरना चाहते, खड़े हो गए, 1 साल खड़े रहे। नरेंद्र मोदी जी कहते नहीं, ये तो आपके फायदे के लिए है। अगर फायदे के लिए था तो बाहर क्यों आए? वो सड़क पे ही खड़े हुए। तो ये इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जो भी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग होते हैं, वो ही इस देश को रोजगार देते हैं। ये जो 2-3 अरबपति है ना, हाँ, ये रोजगार नहीं देते हैं। रोजगार लाखों छोटे बिजनेस देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन 2 हथियारों से ये जो रोजगार की रीढ़ की हड्डी थी, इसको तोड़ दिया। और नतीजा क्या है? नतीजा है कि मैं कन्याकुमारी से यहां तक आया हूं, और यहां पे जो भी युवा मुझे मिलता है वो कहता है भैया मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार नहीं मिला। कहते हैं मैं
इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने, मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। डॉक्टर बनना चाहता था, कोई आर्मी में जाना चाहता था, सब रास्ते नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिए। पहले क्या होता था आर्मी में, कितने साल के लिए जाते थे लोग? पंद्रह। क्या होता था? पंद्रह साल जाते थे, जॉब सिक्योरिटी मिलती थी, पूरी जिंदगी वो देश की रक्षा करते थे। उनकी ट्रेनिंग 15 साल की ट्रेनिंग होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा देश के युवाओं को? कहा भैया एक काम करो, 6 महीने की ट्रेनिंग लो और 4 साल आर्मी में काम करो, अग्निवीर हो जाओ और उसके बाद हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाओ। अब देखिए युवा के दिल में भावना है, देश की रक्षा की भावना है, और आप उससे कह रहे हो कि 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल आर्मी में जाओ और फिर अपनी पूरी जिंदगी बेरोजगारी में काटो, और फिर कहते हैं भाई हम तो देशभक्त हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चाइना का सैनिक जो है वो 4 साल का अग्निवीर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग 10-15-20 साल की है, और हमारे जवान को आप 4 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। जब लड़ाई होगी उस साइड 10-15 साल की ट्रेनिंग और इस साइड 6 महीने की ट्रेनिंग, कैसी देशभक्ति है ये? इसका नतीजा आप सब समझ जाओ। तो जो भावना है हमारे युवाओं के दिल में, जो भावना है देशभक्ति की भावना है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और नाम अग्निवीर दे दिया। पहले क्या होता था, जो गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, दलित आदिवासी, उनके लिए रोजगार का एक और रास्ता था जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, BHEL, HAL, हिंदुस्तान रेलवेज, ये सब रोजगार के रास्ते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, इन सब को उन्हीं 2-3 लोगों के हवाले कर रही है। रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, BHEL को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तेल की कंपनी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो वो भी रास्ता बंद कर दिया। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, किसान को सही दाम नहीं मिलता, बेरोजगारी फैल रही है, और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को, उन्हें जो भी चाहिए मिल जाता है। भाई और बहनों, किसान 50,000 रुपए का लोन लेने में मर जाता है, किसान को नहीं मिलता, इनको लाखों करोड़ रुपए का मिल जाता है। किसान का ये 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करते, उनका ये लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर देते हैं। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, कन्याकुमारी से कश्मीर, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है, हिंसा के खिलाफ यात्रा है, नफरत के खिलाफ यात्रा है, बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा है, महंगाई के खिलाफ यात्रा है, और इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। आपका अंत में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं,
आपने अपनी पूरी मदद, पूरा दम, पूरा प्यार आपने हमारे को इस यात्रा में दिया, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। आपने क्या बोला भैया 24 में क्या? आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।